क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड के स्ट्रीट नंबर 4 स्थित गोविंद मोदी के मकान में शराब की मिनी फैक्ट्री संचालित होने का मामला उजागर हुआ है। आइए देखते हैं पूरा मामला। दरअसल गोविंद मोदी के इस मकान में रहने वाले भाड़ेदार बड़े ब्रांड की बोतल में किंग्स गोल्ड ब्रांड की शराब और सोडा वाटर मिलाकर हूबहू बड़े ब्रांड का मिलावटी शराब बनाते थे। मिलावट ऐसी की जाती थी कि बड़े ब्रांड की शराब बोतल देख पहचान पाना मुश्किल था कि असली है या नकली। शराब की बोतलों पर उत्पाद विभाग का स्टिकर लेवल भी चिपका दिया जाता था। यहाँ से तैयार शराब बिहार से सीमावर्ती जिलों में खपाया जाता था। इस गोरख धंधा का मास्टरमाइंड राहुल कुमार और विकी कुमार बताया जाता है, जो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित की सूचना पर तिलैया पुलिस ने छापेमारी कर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस भाड़े के मकान में रह रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में कुंदन कुमार नवादा का रहने वाला है, तो वहीं संतोष कुमार नालंदा का रहने वाला है। शराब को कम लेवल के शराब को, कम ब्रांड वाले शराब को बड़े ब्रांड वाले बोतल में मिक्स करके पैकिंग करके बेचा जाता है। गिरफ्तारी हुई है और शेष गिरफ्तारी है शेष पुरानी संख्या चलने के बाद उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार जो गिरफ्तार में गिरफ्तारी जिसकी हुई है उसके अनुसार इन लोग का है कि ये माल जो है पैकिंग करके बिहार में, ये जो है किंग्स वर्ल्ड जो ये शराब है सब लोग वहाँ से उठाते थे और ब्रांड वाले बोतल में मिक्स करके बेचते। गाड़ी का हम लोग डिटेन किए हैं, उसका सत्यापन करेंगे और जिसका मालिक होगा गाड़ी का उस पर भी केस होगा, उसकी भी गिरफ्तारी होगी। एक स्कूटर भी स्कूटी भी मिला है।